हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, कन्वर्जेशन ऑफ गैलोनोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर का। ठीक है, इसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ कि ये प्रैक्टिकल आपको किस तरह करना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि यहाँ पर आपको देख रखा है, उद्देश्य लिखा गया है कि किसी दिए गए धारामापी की दी हुई परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरण करना तथा उसका अंशांकन करना। तो हमने परास के वोल्ट मीटर में रूपांतरित करना तो सीख लिया था, लेकिन आज हम सीखेंगे उसका अंशांकन करना। उसका अंशांकन करना सीखेंगे, और इसमें आप उपकरण देख सकते हैं कि उपकरण क्या क्या दे रखे हैं। उपकरण के अंदर हमारे पास है धारामापी, जिसकी परास में रूपांतरण करना है, उसी परास का एक वोल्ट मीटर चाहिए, संचालक सेल चाहिए, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स और अन्य कम प्रतिरोध वाले बॉक्स और दो कुंजी चाहिए। ठीक है, सिद्धांत आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये डायग्राम रहेगा इसका। तो आपको यदि डायग्राम और ये सिद्धांत उतारने हैं तो आप वीडियो को रोक करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपको जो विधि है वो नहीं लिखनी होती। उसके बाद ये जो टेबल है ये आप देख सकते हैं। तो ये वाली जो टेबल थी ये मैंने पिछले प्रैक्टिकल में आपको भरवा दी थी, करवा दी थी, और आज हम इसके ये वाली टेबल करेंगे कि वोल्ट मीटर में के रूप में धारामापी का अंशांकन करना। तो इसको और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले सर्किट को जोड़ते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पर कन्वर्जेशंस ऑफ गैलोनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमीटर के लिए। ठीक है, सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? एमीटर के लिए। और अभी जो मैंने आपको बताया वो किसके लिए था? वोल्ट मीटर के लिए। तो चलो हम पहले वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, उसके बाद फिर एमीटर को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये हमारे पास बैटरी है जो कि आउटपुट लिखा है 0 से 5 वोल्ट। तो यहाँ पर आप इसको, इस बैटरी को आप जोड़ेंगे, कनेक्ट करेंगे, यानी कि आपने प्लस में प्लस लगा दिया है, यानी कि ये जो है ये आपको प्लस है, और यहाँ पर आपको बैटरी का ये प्लस दिख रहा होगा, इसमें आप लगा दें, और इधर जो माइनस है ये वाला माइनस, और इधर जो माइनस है उसके अंदर लगा देंगे। आप इसमें देख सकते हैं इधर वाला जो पार्ट है वो हमारे पास वोल्ट मीटर के लिए लिया गया है, और इधर वाला जो पार्ट है वो किसके लिए लिया गया है? एमीटर के लिए लिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब ये पहले से कनेक्टेड है, बीच में डॉटेड लाइन है इसका मतलब इसको हमें कनेक्ट करना है। तो बीच में आपको लिखा है वोल्ट मीटर, तो इसका मतलब हुआ कि हम इसमें वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर हमारे पास ये है, इसके प्लस के अंदर हम प्लस लगा देंगे। ठीक, और यहाँ पर जो इसका माइनस है वो इसके माइनस में हम लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे जो आपको दे रखा है गैलोनोमीटर, तो गैलोनोमीटर का जो प्लस सिरा है वो आप इस गैलोनोमीटर के प्लस में लगा देंगे। ये खराब हो रहा है थोड़ा, दूसरा लेते हैं, इस गैलोनोमीटर के प्लस को इसके गैलोनोमीटर के प्लस में लगा देंगे, और यहाँ पर इसका जो माइनस है इसके माइनस को इसके माइनस में लगा देंगे। अब आपको एक चीज़ और जोड़नी, और वो बचा है रेजिस्टेंस RS। तो आप सिंपल यहाँ से ये लेंगे और RS के किसी भी एक पॉइंट पर डाल देंगे इसको यहाँ पर, और दूसरी पिन लेंगे हम। तो हम यहाँ पर सर्किट को ऑन करेंगे। यहाँ पर हमने जो वोल्ट मीटर था वो थोड़ा ख़राब हो रहा था, इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीमीटर का यूज़ किया है, और जैसे ही हम यहाँ पर पावर ऑन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमारे पास गैलोनोमीटर के अंदर जो वैल्यू है फिलहाल 0 आ रही है। हम वोल्टेज की जो वैल्यू है, जो सेट वोल्टेज है, उसको आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे और उसके क्रॉसपॉन्डिंग देखेंगे कि आपके पास जो गैलोनोमीटर के अंदर एन की वैल्यू है वो भी बढ़ जाती है। तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू 5 ले रहे हैं, फिलहाल देख सकते हैं आप एन की वैल्यू कितनी है, 5 है। ये यहाँ से 0 के से 5 खाने के बाद 5 वैल्यू होगी, तो हम इसको यहाँ पर डिनोट करेंगे 5 वैल्यू। तो हमने यहाँ पर कर दी है कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो कितना है, 5 वोल्ट है। उसके ऊपर हम वैल्यू देखेंगे किसकी, वोल्टेज की। तो वोल्टेज की जो वैल्यू, हमने इसको वोल्टेज पर लगा रखा है डीसी पर, और यह है 0.86 या 5। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास है ये कि 0.8 और 5 हमारे पास वैल्यू आ रही है।
फिर आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे वी डबल डैश की, जो कि है हमारे पास वी, वी कितना आ रहा है 0.85 आ रहा है, और एन जो है वो हमारे पास होता है धारा मापी के स्केल में कुल खानों की संख्या, जो कि हमारे पास कितनी है 30 है। तो यहाँ पर आप 30 का वैल्यू लिख देंगे इनटू जो एन की वैल्यू है, यहाँ से आप यहाँ पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास कितनी आई है 5, और वी डैश की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी। तो आपके पास जो वी की वैल्यू है, वी डैश की वैल्यू ये है, और वी डैश की वैल्यू डबल डैश की वैल्यू ये है। तो आप यहाँ पर एरर काउंट कर सकते हैं, वी डबल डैश माइनस का वी, जो भी वैल्यू आती है आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और इस प्रकार से आप इस नोब से ये जो आपको दे रखा है, ठीक है, इससे आप इसको बढ़ा करके वैल्यू को देखो, अब आप देख सकते हैं इसको, जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूँ आपके पास एन की जो वैल्यू है इसके अंदर, वो भी धीरे धीरे क्या होती है बढ़ती जाती है, वो भी धीरे धीरे क्या हो रही है बढ़ रही है। इस तरह से आप अलग अलग 5-5 डिग्री के ऊपर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम इस वीडियो में और भी चीज़ें डाल देंगे।